जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अखिलेश यादव जो कि ओवैसी की यूपी में एंट्री के बाद से अपनी ज़मीन तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके नेताओं के लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही। पिछले दिनों उनकी ही पार्टी के नेता उमेद पहलवान के ऊपर कुछ आरोप लगे थे और वो आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, काफ़ी बड़े आरोप थे। दरअसल गाज़ियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक बूढ़े बाबा की दाढ़ी काटने वाला एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। हालांकि उस वीडियो में साउंड नहीं था, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि उसमें क्या हुआ। लेकिन अखिलेश यादव के जो नेता हैं उमेद पहलवान जी, इनके पास हैं दैवीय शक्तियाँ, जिससे ये समझ सकते हैं, सुन सकते हैं कि म्यूटेड वीडियो में भी क्या चीज़ कही जा रही है। और इसीलिए ये समझ गए कि उस वीडियो में जय श्री राम के नारे लगवाने के नाम पर बाबा की पिटाई करी गई और दाढ़ी काट दी गई। बस फिर क्या था, उनको जैसे ही ये जानकारी मिली, उन्होंने बाबा को भी अपने पास लाया और उन्होंने कहा कि बाबा आओ एक वीडियो बनाते हैं। और इसीलिए उन्होंने फेसबुक लाइव करके एक वीडियो बनाकर जारी कर दिया। अब बात दरअसल ये हुई कि यहाँ तक तो चलो ठीक था, उमेद पहलवान की तो रीच कितनी ही होनी थी। लेकिन बात कहाँ से बिगड़ गई, जब मशहूर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर, जो कि ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर भी हैं, उन्होंने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर कर दिया। जाहिर सी बात है उनकी रीच ज़्यादा थी, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। बाद में जब इसको लेकर गाज़ियाबाद पुलिस ने जाँच करी तो पता चला कि भाई ये तो आपसी रंजिश का मामला है, और मामला पूरी तरीके से पलट गया। लेकिन भाई पहलवान साहब जो थे उनकी पहलवानी तो निकल गई थी, क्योंकि अब जो है ये मामला बुरी तरीके से उलझ गया था। अब उलझाने वाले भले ही कोई दूसरे हों, लेकिन मुख्य कर्ता धरता तो यही थे। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के आरोप में पहलवान साहब की पहलवानी इस समय यूपी पुलिस द्वारा निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद स्थित लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट के मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोपित सपा नेता उमेद पहलवान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मतलब NSA के तहत कार्रवाई की गई। रसुका की कार्रवाई के बाद उमेद को 1 साल तक जमानत मिलना भी मुश्किल है। उमेद पहलवान को इस मामले में 19 जून 2021 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आरोपित ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को भड़काने और मारपीट की वारदात को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करी थी। इस बारे में गाज़ियाबाद पुलिस ने भी ट्वीट किया कि अभियुक्त उमेद पहलवान के विरुद्ध 16/6/2021 को PS लोनी बॉर्डर पर FIR इस संख्या के एक्ट पंजीकृत करी गई थी और 19/6/2021 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उक्त अभियुक्त पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन NSA के तहत कार्रवाई करी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपित फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में डासना जेल में बंद है। पुलिस ने कहा कि आरोपित के खिलाफ पहले से ही 5-6 केस दर्ज हैं। सपा नेता ने ही अब्दुल समद नाम के साथ एक मारपीट वाले उस वीडियो को दाढ़ी काटने के बाद जबरन जय श्रीराम बुलवाने की बात जोड़कर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करी थी। इसको लेकर कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी थी। और बाद में अब्दुल समद से मारपीट के केस में गाज़ियाबाद पुलिस अब तक 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में पता चला है कि केस दर्ज होने के बाद खुद को फंसता देख कर उमेद पहलवान ने अब्दुल समद से हलफनामे पर ये लिखवाने की कोशिश भी करी थी कि उससे जबरन जय श्री राम बुलवाया गया था। इसके बाद आरोपित ने वीडियो को वायरल कर दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर से इसे रोकने के लिए कहा था। हालांकि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने इसे वायरल होने दिया, जिसके बाद उसके खिलाफ भी इसी मामले में केस दर्ज कर लिया गया। तो क्या होता है, जब आप एक किसी गलत चीज़ को बचाने का प्रयास करते हो तो लपेटे में आप भी आ जाते हो, और यही चीज़ समय ट्विटर के साथ भी हुई है। जब आपको दिख रहा है कि कोई गलत चीज़ लोग वायरल कर रहे हैं या कोई गलत चीज़ के ऊपर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो कि उनको सच भी लग सकती हैं, तो आपको उसे हटाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि जब कांग्रेस मामले में संबित पात्रा ने टूलकिट को दिखाया था और आपने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया था। भाई जब आपकी खुद की जांच एजेंसी इतनी ज़्यादा मजबूत है, इतनी ज़्यादा प्रखर है, तो आपको समय रहते सही कदम उठा ही लेने चाहिए। हालांकि अब ट्विटर भी इस मामले में फंस चुका है और पहलवान साहब के खिलाफ NSA लग चुका है। तो इस मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई के ऊपर आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।